हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो, मान लो हमारे पास में कोई मटेरियल गिवन हो, सपोज वी आर गिवन एनी मटेरियल ऑफ मास एम, राइट। अब इस मास एम का टेम्परेचर यदि हमें डेल्टा टी से राइज करना है, सपोज वी हैव टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डेल्टा की यूज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या फार्मूला है इसके लिए, एस एम डेल्टा टी। यहाँ पर ये एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, राइट। इस मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट एस है। ये तो हो गया स्पेसिफिक हीट के लिए फार्मूला, राइट। अब देखो, यहाँ से यदि हम स्पेसिफिक हीट को हमने डिफाइन करना पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। किसी भी मटेरियल के यूनिट मास का टेम्परेचर यदि हमें यूनिट डिग्री से राइज करना है, तो जो हीट चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इंटू वन इंटू वन। एम हमने यूनिट मास ले लिया, डेल्टा टी को यूनिट डिग्री ले लिया, तब जो हीट चाहिए वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ से हम आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करते हैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट के केस में इस एम की जगह हम मास कितना लेंगे, हम यहाँ पर मास लेंगे मास ऑफ वन मोल ऑफ द मटेरियल। जो नाम से क्लियर है, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब किसी भी मटेरियल के एक मोल का टेम्परेचर यदि हमें एक डिग्री से राइज करना है, तब जो हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बाई वन डिग्री, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब यदि यहाँ पर हम एम जो इस फार्मूले में यूनिट मास ले रखा है, यूनिट मास की जगह हम मास कितना ले लें, मास ऑफ वन मोल, एंड वी नो दैट मास ऑफ वन मोल किसी भी मटेरियल के एक मोल का जो मास होता है, दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द मटेरियल इन ग्राम्स। ये आपको दिमाग में रखना है, मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। यदि किसी भी मटेरियल के मोलिकुलर मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो क्या बनाता है, उसके एक मोल का मास बनाता है, और मोलिकुलर मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यदि इस मास एम की जगह हम क्या ले लें, मोलिकुलर मास ऑफ द मटेरियल, और टेम्परेचर कितने से राइज करना है हमें, यूनिट डिग्री से, तो डेल्टा टी की जगह वन, मास की जगह मोलर मास, और एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एम। दिस हीट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, और मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पर मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट इंटू मोलिकुलर मास, दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दिस इज अ फार्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, राइट। अब यदि हमें कोई मटेरियल दे रखा है, सपोज वी आर गिवन एनी मटेरियल ऑफ मास एम, जैसे ये मटेरियल दे रखा है जिसका मास एम है, अब ये पता करना हो कि इस मास एम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो हमें ये पता है कि यदि मोलिकुलर मास एम है, सपोज एम इज मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास के बराबर यदि हम कोई मटेरियल लेते हैं, तो उस मोलिकुलर मास में कितने मोल होते हैं, वन मोल। यदि हम मास वन ग्राम ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, वन बाई एम। यदि गिवन मास एम ग्राम है, तो इस एम ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू वन बाई एम इंटू एम। सो नंबर ऑफ मोल्स इन एनी गिवन मटेरियल, ये इन एनी गिवन मास ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, दिस इज द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो यदि हमें। सो यहाँ से यदि हम मोलिकुलर मास को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ द गिवन मटेरियल। अब यदि नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में हम इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं फिर से, तो देखो ये फार्मूला हमारे पास में किस प्रकार से आ जाएगा। हम इस फॉर्मूले को यूज करके पहले स्पेसिफिक हीट का फार्मूला निकालते हैं। यहाँ से वी कैन राइट स्पेसिफिक हीट एस इज इक्वल टू
एम डेल्टा टी को इसके अपॉन में ले आते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, एंड वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम। एम की जगह यदि हम ये पुट कर दें एम इंटू एन, देन दिस इज इक्वल टू एन इंटू एम इज मॉलिकुलर मास इंटू डेल्टा टी। अब इस मॉलिकुलर मास को यहाँ से हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, देन दिस इज इक्वल टू एम इंटू एस इज इक्वल टू वन बाई एन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड वी नो दैट एस इंटू एम इज मोलर स्पेसिफिक हीट, सो वी कैन राइट मोलर स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू वन बाई एन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, यदि यहाँ से हम इसके यूनिट्स निकालेंगे तो डेल्टा क्यू क्या है, हीट, हीट के लिए यूनिट होगी हमारी कैलोरी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, सो कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ से हम इसके यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।